हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर बीएमएस का मैथ्स का फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ फंक्शन एंड एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुलदीप जरा ध्यान देना, फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन ये रिलेट है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। जहां पे एप्लीकेशन मतलब इकोनॉमिक टर्म आ गया था, आपको याद रहेगा डेरिवेटिव जब करवाया था तो इकोनॉमिक मार्जिनल एवरेज इलास्टिसिटी ये सब कंसेप्ट किया था आपने। यहाँ पे उसी चीज का स्टार्ट पार्ट है। ये मेरे को फर्स्ट पढ़ाना चाहिए था, बट मैंने आपको बोला पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म करते हैं और फिर ये करेंगे। एक ही लेक्चर होगा और एक ही लेक्चर में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप पूरा टेक्स्ट बुक रेफर कर लो, जैसा करवा रहा हो खाली सम प्रैक्टिस करो, इतना इजी लेसन नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। आज के लेक्चर में एक ही लेक्चर होगा और उसके बाद कोई लेक्चर इस टॉपिक का नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है जरा देखते। अ फंक्शन इज गिवन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 आगे दिया है फॉर, अच्छा फाइंड द वैल्यू लिख के दिया है। फाइंड द वैल्यू क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, 2, -3। बस इतना ही दिया है, और कुछ दिया है क्या? नहीं। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी आप खुद बोलो, एफ ऑफ एक्स आपको जब मालूम है तो उसने बोला एक्स का वैल्यू क्या लिखने बोला है, तो मैं एफ ऑफ 0 लिख रहा हूं, यानी कि 5 जिधर एक्स दिख रहा है उधर 0 कर दो, -3। 0 -3 एफ ऑफ 0 का आंसर होता है, नॉर्मल तेरे साथ नॉर्मल है बेटा। फिर एफ ऑफ 2 मतलब जिधर एक्स है वहां पे क्या लिखने का है, 2। 5 × 2 -3 10 - 3 एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है सम? यही करना है फंक्शन में, सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है, क्लियर है? चलिए ठीक है। एफ ऑफ -3 5 × -3 -3 -15 -3। अभी कुछ होशियार लोग रहते हैं आर्यन, अरे नहीं मेरे पहले कंप्लीट करने दे, वो जो होशियार लोग रहते हैं वो लोग क्या करते मालूम है, -15 -3 और बाद में अपने पास ऐसा कैलकुलेटर में पैसा दिया है तो बटन यूज करने आता नहीं है। तो देखे इधर इधर 15 आगे माइनस साइन है तो ये प्लस माइनस का बटन प्रेस करने का अपने आप उसके आगे माइनस आएगा। पैसा देंगे तो पूरा बटन मिलता है, जिसमें पैसा नहीं देंगे उसमें बटन नहीं आता है। हाँ इधर इधर ध्यान देना, बाद में माइनस साइन है। अब कुछ होशियार लोग बोलेंगे सर -15 है बाद में माइनस, तो यही बटन दबाते, तो ये नहीं इधर माइनस बटन, ऐसा आपने इधर कैसे है? बहुत सारे लोग है, वेरी गुड। माइनस उसके बाद 3 तो कितना होता है -18 होता है, तो यहां पे आपको क्या लिखना है -18। क्लियर हो गया क्या? सम खत्म, आंसर हो गया। ओ, इतना ही था, बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्या हो गया बेटा, कुछ डाउट है आपको? नहीं नहीं ऐसा होता है, उसका माइनस माइनस उसका प्लस ही होता है। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे जाते, माइनस माइनस प्लस ही होता है लेकिन साइन तो माइनस से आएगा, बिगर नंबर साइन। हाँ -18 आएगा बिगर नंबर साइन, प्लस किया तो भी 18 आएगा लेकिन माइनस में। अभी सेकेंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बताओ क्या दिया है, 2x+3 आगे दिया है फॉर -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 0। अच्छा फिर यहां पे तुम लोग ध्यान देंगे बेटा, आगे x+7 फॉर एक्स क्या बोला है, 0 < x < 3 फॉर 4 - 3x फॉर 3 > x < 5 = 5 + 2x अदरवाइज। बराबर है, ऐसा ही दिया है,
अब जरा ध्यान देना करना क्या है यहां पे। इसने बोला है कि जो x का वैल्यू है, x का जो वैल्यू है माइनस टू या उससे बड़ा नंबर रहेगा, बट जीरो से छोटा रहेगा। एक नंबर लाइन की मैं अगर बात करता हूं, नंबर लाइन तो आपको पता है, इधर वन टू थ्री फोर फाइव, ग्रेटर नंबर इधर है, ये बाजू सारे ग्रेटर नंबर है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इसका मतलब माइनस फोर से ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस थ्री माइनस टू। तो अभी साइन क्या बोला है, माइनस टू से ग्रेटर नंबर एक्स का होना चाहिए, तो माइनस वन जीरो वन टू ये सब नंबर्स होगा, बट जीरो नहीं चाहिए उसको। तो जीरो से सॉरी माइनस टू से बड़ा या माइनस टू बट जीरो नहीं, तो कौन सा नंबर बोल रहा है, माइनस टू माइनस वन, तो इन हाँ हाँ बेटा माइनस वन बोल रहा है, माइनस वन आएगा, बराबर है, माइनस टू से बड़ा या इक्वल्स टू माइनस टू होना चाहिए, तो माइनस वन है, देर एक्स का वैल्यू क्या आएगा, बात समझा। अब वो बोल रहा है जीरो या जीरो से बड़ा बट थ्री से छोटा, बट थ्री नहीं चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा नंबर क्या है, वन और टू, बट थ्री चाहिए क्या, यहां पे x का वैल्यू क्या आएगा, वन और टू, समझा। इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या आएगा, वन और टू। अब थ्री से बड़ा पांच से छोटा, बट इक्वल टू थ्री भी बोला है, थ्री और थ्री से बड़ा फोर फाइव, बट फाइव नहीं चाहिए, थ्री एंड अंडरस्टूड। अदरवाइज भाई अदरवाइज में क्या आएगा, तो अदरवाइज मतलब यहां पे पांच तो नहीं है, यहां से पांच से बड़े नंबर जो भी रहेंगे, पांच या पांच से बड़े नंबर चाहिए, तो यहाँ पे सिक्स सेवन एट नाइन जो आपको लेने का आप लिख सकते, कोई ऑर्डर नहीं दिया, कोई लिमिट नहीं दिया है, समझा। अदरवाइज के लिए ये इक्वेशन, इस नंबर के लिए, इस रेंज के नंबर के लिए ये इक्वेशन, इस रेंज के नंबर के लिए ये इक्वेशन, और इस रेंज के लिए इस इक्वेशन का यूज करना है। तो अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला मैं एफ ऑफ एक्स के लिए सॉल्व कर रहा हूं, माइनस टू फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो वाला सॉल्व कर रहा हूं, और इसके लिए इक्वेशन क्या रहेगा, टू एक्स प्लस थ्री हो। यहां पे x का वैल्यू कितना दिया देखो, तो यहां पे x का वैल्यू आ जाएगा आपको माइनस वन, देयरफॉर एफ ऑफ माइनस वन विल बी टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री इक्वल्स टू वन, पहला वाला वैल्यू समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला देखो, x का वैल्यू क्या बोला उसने, x का वैल्यू बोला x प्लस सेवन लिखना है फॉर जीरो वन टू थ्री के बारे में ना, बराबर है। तो आपको यहां पे उसने क्लियरली स्पेसिफाई किया तीन से छोटा, तीन से छोटा और जीरो से बड़ा, मतलब वन एंड टू। तो आप यहां पे f ऑफ x का वैल्यू वन भी लिख सकते हो और f ऑफ x का वैल्यू टू भी लिख सकते हो। अरे कंट्रोल उदय, क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड टू, देखो फाइंड बोला है, फाइंड एफ ऑफ माइनस वन, फाइंड एफ ऑफ टू, तो अपने को इसमें वन और टू दोनों आने वाला है, बट हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड करना, समझ में आया। तो एफ ऑफ टू का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, और वो टू के लिए कौन सा इक्वेशन यूज होगा, क्योंकि ये वाला टू इसी अंदर आने वाला है ना, तो यहां पर आपको आ जाएगा एक्स प्लस सेवन, यानी कि टू प्लस सेवन, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू। फिर क्या फाइंड करने बोला है, एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ फोर किधर आएगा, इसमें आएगा ना फोर, तो एफ ऑफ फोर कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फोर माइनस थ्री इंटू फोर माइनस माइनस एट, समझा। फिर उसके बाद एफ ऑफ माइनस थ्री किसमें आएगा, देखो देखो माइनस थ्री किसमें आएगा, देखो और बताओ किधर आएगा, किसमें आ रहा है माइनस थ्री, बताओ माइनस थ्री, हाँ। अदरवाइज अगर इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो अदरवाइज है, मतलब अगर इसमें का कोई भी नंबर है तो ये इक्वेशन यूज करो, और इसमें से कोई भी नंबर नहीं है, कोई दूसरा भलता नंबर है, भलते के लिए दिया है, मतलब इसके लिए कौन सा नंबर है, इसके लिए भाई ये दो नंबर्स है, इसके लिए भाई ये दो नंबर्स है, इसके लिए नंबर्स है दिया है, और भलता कोई है उसके लिए ये नंबर दिया है, भाई भलता नंबर अपने पास क्या है, एफ ऑफ माइनस थ्री है ना, तो अपने को कौन सा इक्वेशन यूज करना है, फाइव प्लस, तो फाइव प्लस टू इंटू माइनस थ्री, फाइव प्लस माइनस सिक्स, वन माइनस में, समझ में आया।
फिर क्या पूछा है, एफ ऑफ 16, 16 सर ये भी भलता ही है कोई, मतलब एफ ऑफ 16 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 16, 5 प्लस 32 दैट इज 37। समझा मैंने क्या किया, समझा ना। स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। इफ एफ ऑफ एक्स इज के एक्स प्लस 8 एंड एफ ऑफ माइनस 2 इज 4, फाइंड द वैल्यू फॉर के, हेंस फाइंड एफ ऑफ 1.3 एंड माइनस 2.1, ऐसा ही कुछ है, 1.3 एंड 2.1 है, ठीक है। क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स कितना दिया बताओ, के एक्स प्लस 8, एफ ऑफ माइनस 2 कितना दिया है, अब एफ ऑफ माइनस 2 दिया है तो मैं ऐसा लिखता हूं, एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू के इंटू माइनस 2 प्लस 8, इसका आंसर 4, माइनस 2 के प्लस 8 बराबर है, माइनस 2 के को इधर और इसको ये बाजू ले लेता हूं, माइनस 2 के हो जाएगा प्लस 2 के, 8 माइनस 4 तो 2 के इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, k इक्वल टू 2, देयरफोर f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 8 हो जाएगा, f ऑफ x इक्वेशन बन गया। अब क्या फाइंड करने बोला है, f ऑफ 1.3 दैट इज 2 इंटू 1.3 प्लस 8 दैट इज 2.6 प्लस 8 10.6, वैसे ही एफ ऑफ माइनस 2.1 भी बोला है, तो मतलब 2 इंटू माइनस 2.1 प्लस 8 दैट इज माइनस 4.2 प्लस 8 दैट इज 3.8 हो गया आंसर, समझा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो आप सॉल्व करने जाने वाले वो आप सॉल्व करने वाले हो इकोनॉमिक्स, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपने इकोनॉमिक्स के टर्म्स देखे थे वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8, द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू 7 माइनस डी एंड द सप्लाई इज गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 डी, फाइंड द इक्विबिलियम प्राइस एंड द क्वांटिटी। इक्विबिलियम प्राइस के लिए आपको क्या करना है, तो आपको मालूम है इक्विबिलियम प्राइस कब आएगा, व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो वो क्या होगा, इक्विबिलियम प्राइस होगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्विबिलियम डिमांड भी पूछा है और इक्विबिलियम प्राइस भी पूछा है, हाया नहीं, चलिए ठीक है। पहला बताओ डिमांड फंक्शन क्या दिया है, डिमांड फंक्शन दिया है द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू 7 माइनस डी, ये डिमांड फंक्शन दिया है। और फिर सप्लाई फंक्शन क्या दिया बताओ, पी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3D दिया, बराबर है। अब क्वेश्चन में बोला है एट एन इक्विबिलियम प्राइस डिमांड इज इक्वल्स टू व्हाट सप्लाई, जब डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई है तो डिमांड क्या है 7 माइनस डी इज इक्वल टू सप्लाई क्या है 3 प्लस 3D, 7 माइनस 3 3D माइनस का प्लस डी हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 4D डी इज इक्वल टू, अब D का वैल्यू मिल गया, अभी D का वैल्यू किधर एक जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, किधर भी सब्स्टिट्यूट करो, तो डिमांड इज इक्वल टू 7 माइनस डी, प्राइस इज इक्वल टू 7 माइनस 1 7 मतलब 6, तो प्राइस और डिमांड मिल गया, समझन, समझा। नेक्स्ट सम क्या दिया है, नेक्स्ट सम दिया है If the total cost function C is given, find the cost when x is 10 unit. Also find the average cost when x is equals to 4 unit. Very simple. Average cost word use किया है। मैंने आपको बताया था average cost का मतलब क्या है? Cost divide by x. अगर x में दिया है तो r में दिया है divide by r, d में दिया है divide by d, p में दिया है divide by p. इस question में cost function with respect to x दिया है आपको। और क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट व्हेन एक्स इज 10, कॉस्ट क्या दिया है बताओ जरा, कॉस्ट आपको दिया है 4 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस्ट व्हेन एक्स इक्वल्स टू 10 आएगा 4 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर। अब ये कॉस्ट को मैं एफ ऑफ एक्स भी ले लेता हूं, वो भी मत चलेगा,
और x का वैल्यू कितना डालना है 10, तो जिधर x है वहां पे 10 लिखा है, मतलब वही चल रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन आ गया कितना 4 प्लस 30 प्लस 100 दैट इज 134। ये कॉस्ट व्हेन x इक्वल्स टू 10 आ गया। अब क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट भी पूछा है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट अपॉन x, 4 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, 4 अपॉन x, 3x अपॉन x, x स्क्वायर अपॉन x, कैंसल कैंसल। देयरफॉर एवरेज कॉस्ट कितना 4 अपॉन x प्लस 3 प्लस x आ गया एवरेज कॉस्ट। अभी x कितना दिया देखो वहां पे 4 यूनिट दिया है, देयरफॉर एवरेज कॉस्ट व्हेन x इक्वल्स टू 4 में आ जाएगा 4 अपॉन 4, 3 खाली 3 अपॉन 4 तो आएगा नहीं, x नहीं इसके साथ, प्लस 4 ये कैंसल 1 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 एवरेज कॉस्ट। समझा सब पक्का? ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इफ द डिमांड फंक्शन p इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2d फाइंड द टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज 3। रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्राइस इनटू डिमांड रेवेन्यू का, और इस क्वेश्चन में एवरेज रेवेन्यू भी पूछा है, तो पहले रेवेन्यू निकालो फिर एवरेज निकालेंगे, बराबर है? तो पहले मैं निकाल रहा हूं रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इनटू डिमांड। क्वेश्चन में प्राइस फंक्शन दिया है, देखो कितना दिया है 10 माइनस 2d इनटू डी, देयरफॉर रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 10d माइनस 2d स्क्वायर, रेवेन्यू मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टोटल रेवेन्यू, तो भाई टोटल रेवेन्यू निकाल दिया। अब फाइंड करना है एवरेज रेवेन्यू फाइंड करना है, और एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला रेवेन्यू अपॉन डिमांड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डी दिया है, दैट इज 10d अपॉन डी माइनस 2d स्क्वायर अपॉन डी। Therefore, एवरेज रेवेन्यू कितना है 10 माइनस 2d। आगे डिमांड का वैल्यू दिया है क्या? हाँ सर दिया है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, R when D equals to 3 है, तो यहाँ पे आएगा 10 into 3 minus 2 into 3 square, और ये समझा, that would be 30 minus 2 into 9 that is 30 minus 18 which is equals to 12 आ जाएगा, बराबर। यहां पे एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड इक्वल्स टू 3, 10 माइनस 2 इंटू 3, 10 माइनस 6, 4। सम समझा गया? पक्का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल कॉस्ट फंक्शन सी इज गिवन टू यू 500 प्लस 15x एंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन टू यू 700 प्लस 5x, फाइंड द पॉइंट एट विच देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं भी बोलता तो भी आपको मालूम है कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, बराबर है? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है, जितने में बनाया है उतने में बेचा है, मतलब जितना कॉस्ट उतना ही रेवेन्यू उतना ही सेल्स प्राइस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस को मैं बोल सकता हूं रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, समझाइए। अब इसी कंसेप्ट से अभी के आगे के सम सबको करने हैं, जहां पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं आने वाला है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन दिया है, रेवेन्यू फंक्शन दिया है, और बोला कितना वैल्यू आपको बेचना है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन गिवन टू यू बताओ जरा, 500 प्लस 15x दिया है, एंड व्हाट इज योर रेवेन्यू फंक्शन, 700 प्लस। अपने को x का मतलब क्या है, यहां पे यूनिट्स है, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया आपने, तो यहां पे मैं लिखता हूं ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से, ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट या कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू, दैट इज 500 प्लस 15x इज इक्वल्स टू 700 प्लस 5x। अब भाई ये सब को इधर और इसको इधर ले लेता हूं, 15x माइनस 5x, 700 माइनस 500, 10x इक्वल्स टू 200, x इज इक्वल्स टू 20, मतलब 20 यूनिट बनाओगे अगर आप और उसे बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझा सम?
खत्म हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अ मैन्युफैक्चरर हैज पुट रुपीज 30,000 एज अ इनिशियल कॉस्ट एंड वेरिएबल ऑफ 20 पर यूनिट फॉर प्रोडक्शन पर बैटरी। इफ ईच बैटरी कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज 40, फाइंड द टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट फंक्शन, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बैटरीज टू बी प्रोड्यूस टू अचीव अ ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। पहले तो समझो क्या बोला है, हमने कितना खर्चा किया है, क्वेश्चन नंबर 8, कितना खर्चा किया है, 30,000 इनिशियली खर्चा किया है, प्लस 20 रुपए का और खर्चा होगा हर एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट। आपको यूनिट मालूम है क्या? नहीं। मतलब एक बैटरी बनाने के लिए 30,000 प्लस 20x का खर्चा होने वाला है। तो आई कैन से दिस इज माय कॉस्ट फंक्शन, 30,000 प्लस 20x। बैटरी बनाने के बाद में कितने में बेचने वाला, 40 रुपए में एक बैटरी बेचने वाला हो, यूनिट कितना है, जितना बनाया उतना ही बेचोगे। यहां पे मैं लिखता हूं लेट नंबर ऑफ यूनिट बी एक्स, तो एक्स यूनिट का 20 रुपए के हिसाब से एक्स खर्चा आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस यानी कि रेवेन्यू विल बी 40 इंटू एक्स, आर इज इक्वल टू 40x। अब बंदे ने क्या बोला है, टोटल रेवेन्यू फाइंड करो, तो भाई टोटल रेवेन्यू मिला, टोटल कॉस्ट फाइंड करो, टोटल कॉस्ट मिला। अब ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, मतलब रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, बोले तो 40x इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 20x, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 40x माइनस 20x इक्वल्स टू 30,000, बराबर है, 40 में से 20 जाएगा तो 20x इज इक्वल्स टू 30,000, x इज इक्वल्स टू 15,000, ये 30,000 ही है ना, एक जीरो कट हुआ, 3 5 15 15, ठीक, ये समझ में आया, खत्म हो गया सम, इतना ही करना था। नेक्स्ट सम नंबर 9 की तरफ जाते, देखते सम नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, अ कंपनी मैन्युफैक्चर नोटबुक द वीकली टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन टू यू, वीकली टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है, क्या दिया है कॉस्ट फंक्शन, 15x प्लस, ये कॉस्ट फंक्शन दिया है। अब रेवेन्यू फंक्शन के तीन ऑप्शंस दिए गए, क्या क्या दिया है रेवेन्यू फंक्शन, तो पहला दिया है इफ ईच नोटबुक इज सोल्ड फॉर 25, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी दैट अ नोटबुक टू बी प्रोड्यूस टू एंश्योर नो लॉस। मतलब यहां पे रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला है, 15 नहीं 25, कितने में, एक्स यूनिट पे, यहां पे भी एक्स यूनिट लिया ना, रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, 25x is equals to 15x plus 3000. 15 इधर आ जाएगा, 25x minus 15x equals to 3000. 10x is equals to 3000 and x is equals to 300. Done. ये first part था. Second part में क्या बोला है? देखो जरा. Second part में क्या बोला है? If the selling price of the notebook is increased by 20%, पहले कितना था? 25 रुपया था. अब 20 तक का बढ़ाएंगे हम लोग. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25 रुपए में 20% ऐड करेंगे, किसका, 25 का ही, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 20/100 इंटू 25, 1 4 5, 5 रुपया बढ़ेगा, मतलब ये 30 रुपया हो जाएगा। तो अभी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेवेन्यू कितना आएगा, 30x, फिर रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट हो जाएगा, रेवेन्यू का वैल्यू कितना है, 30x, कॉस्ट का वैल्यू वही है 15x प्लस 3000, तो 30x माइनस 15x इज इक्वल टू 3000, 15x इज इक्वल टू 3000, x इज इक्वल टू 200, जहां तक मेरे को लग रहा है, बराबर है, समझा। थर्ड पार्ट पे चले जाते, थर्ड में क्या पूछा है जरा देखो, थर्ड में थोड़ा सा अलग दे दिया, If it is known in advance that at least 400 notebooks can be sold, यहां पे selling price नहीं दिया, यहां पे बोला है 400 unit बेच रहे, मतलब इधर x का value आ गया, तो अगर 400 notebook आप बेचने वाले हो, find the selling price to ensure the company no profit no loss, मतलब यहां पे क्या missing है, selling price, तो let the selling price को मैं ले लेता हूं, let SPB कोई भी variable A ले लेता हूं, बराबर है, तो रेवेन्यू कितना आएगा, रेवेन्यू विल बी 400 इंटू ए,
यहां पे ए का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस, जैसे इधर 25 था तो 25 मान लेना, और एक्स क्या था, यूनिट, जो इसके साथ सेम था। बात समझा, ये पक्का समझा ना ये। अब रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट है, रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या है, कॉस्ट। तो रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू है 400 ए इज इक्वल्स टू कॉस्ट क्या है, 15 × 400 प्लस 3000 15, एक्स का वैल्यू मालूम है ना 400 प्लस 3000, तो यहां पे आएगा 400 ए। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने बोल दिया, इधर आपको आ जाएगा 6000 प्लस 3000, 400 ए इज इक्वल्स टू 9000, ए इज इक्वल्स टू 9000 अपॉन 400, 0000, ए इज इक्वल्स टू कितना, 22.5, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 22.5। समझा सम, इस लेसन में इतना ही है और कुछ भी नहीं है। रेवेन्यू फंक्शन देख लो, कॉस्ट फंक्शन देख लो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट देखो, बस इतना ही है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।